हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अब जाते हो तब क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रैक्टिस में मेरे चैनल की आपको हेल्प हो रही है। आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्ज़ाम से लिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने हमेशा चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन आपको दिए हुए हैं। इस वजह से आपकी वो पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको बायोलॉजी सेक्शन से कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक समझ कर लेना है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। वी कैन हैव ऑनलाइन वन ऑन वन सेशन टू सॉल्व योर डाउट। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेपर 2023 से लिया हुआ ये एमसीक्यू है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ऑप्शन में है एडियंटम, एंथोसिरोस, लाइकोपोडियम और मार्सिलिया। तो इनमें से किस में कंडक्शन के टिश्यूज़ नहीं है, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है, ये बताना है। ये एग्जांपल्स ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के हैं। डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द प्लांट्स इंक्लूडेड अंडर टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीव्स एंड दीज हैव separate tissues for conduction of food and water. These do not bear flowers and fruits. Pteridophyta reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. इस पॉइंट पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, देखना एग्जाम में। These have well developed conducting system, मतलब xylem और phloem Pteridophyta में अच्छी तरह से डेवलप हुए रहते हैं। दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। इसके एग्जांपल्स हैं नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, सिलाजिनेला, टेरिस, एडियंटम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम। तो इसमें ये तीन जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो हमें दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में। फिर देखो ब्रायोफाइटा की बात करो तो ये एम्फीबियन प्लांट कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दीज हैव थायलॉइड मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक बॉडी, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट बॉडी का, दैट इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट टू रूट स्टेम एंड लीव्स। इसके एग्जाम्पल्स है देखो मॉस, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, रिक्सिया एंड दीज डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो हमें पूछा है प्लांट डज नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, तो वो ज़रूर एग्जाम्पल होना चाहिए ब्रायोफाइटा का, जो ऑप्शन बी है एंथोसिरोस, और बाकी ये तीन ऑप्शन जो है ये टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें भी आपको हर एक फाइलम के, हर एक डिवीजन के एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रायोफाइटा में कौन से एग्जांपल्स है, टेरिडोफाइटा के कौन से एग्जांपल्स है, इस तरीके से। ऑलराइट, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है। आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ कर लेना है बायोलॉजी सेक्शन से, तो आप मुझसे मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। I request you to please like, share and subscribe to my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.